नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोम में यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्षों से मुलाकात की। बेहतर विश्व के लिए आर्थिक संबंधों और आपसी संपर्क बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत COP26 शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के मुद्दों के व्यापक समाधान पर जोर देगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध 30 नवंबर तक बढ़ाया। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 104 करोड़ 85 लाख कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.19%। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 30 सीटों के लिए कल होने वाले उपचुनावों की तैयारियां पूरी। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 से 27 नवंबर तक दिल्ली में होगा। कन्नड़ फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता पुनीत राजकुमार का बेंगलुरु में हृदय गति रुकने से निधन। और 2020 क्रिकेट विश्व कप में वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को 3 रन से हराया। पाकिस्तान के साथ मैच में अफगानिस्तान टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रहा है। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397804 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इटली के रोम में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ बैठक की। उन्होंने बेहतर विश्व के लिए आर्थिक संबंध और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। श्री मोदी और यूरोपीय यूनियन के अध्यक्षों ने इस वर्ष मई और पिछले वर्ष जुलाई में भारत और यूरोपीय संघ के नेताओं की उपयोगी बैठक का उल्लेख किया। उन्होंने भारत यूरोप सहयोग के अंतर्गत राजनीतिक तथा सुरक्षा संबंधों और व्यापार, निवेश, आर्थिक सहयोग के बारे में समीक्षा की। उन्होंने पिछले शिखर सम्मेलन में 2025 के दिशा निर्देशों के बारे में बनी सहमति पर भी बातचीत की। जलवायु परिवर्तन, कोविड महामारी और वैश्विक तथा क्षेत्रीय विकास के परस्पर हितों पर भी विचार विमर्श किया गया। यूरोपीय संघ के नेताओं ने कोविड रोधी टीकाकरण कार्यक्रम में भारत की उल्लेखनीय प्रगति पर उसे बधाई दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि उन्होंने भारत यूरोपीय संघ की बढ़ते सहयोग, विशेषकर व्यापार, वाणिज्य, संस्कृति और पर्यावरण के मुद्दों पर बातचीत की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की। भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया और उनके नेतृत्व तथा कार्यों की प्रशंसा की। हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कभी आए हैं, ऐसे प्रधानमंत्री ना कभी आएंगे। ये हमारे देश के नंबर एक प्रधानमंत्री हैं। हमारी शान है, हमारे देश के लिए आज तक मान है। आज तक उन्होंने जो भी घोषणाएं अपने की हैं वो हमें देखने को मिलता है। जन जन तक वो सुविधाएं जो है वो पहुंच रही है। चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, चाहे वो उज्ज्वला योजना है, चाहे वो सभी योजनाएं हमें देखने को अक्सर वहां जमीन पर मिलती है। उन्होंने जो भी आज तक बोला वो हमेशा कर करके ही दिखाया, जैसे चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े उनको, ये नहीं देखते कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। उन्होंने जो कहा जो बोला आज तक करके दिखाया, जैसे उनकी योजनाएं जो भी है, उज्ज्वला योजना है, हर गरीब को घर मिले, ये उन्होंने करके दिखाया है आज तक, इसीलिए वो सभी के प्रिय नेता है। प्रधानमंत्री मोदी आज इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे शनिवार और रविवार को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन में G20 के सदस्य देश, यूरोपीय संघ और अन्य आमंत्रित देश तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन
हिस्सा लेंगे। इसमें लोगों, गृह और समृद्धि पर प्रमुखता से चर्चा की जाएगी। G20 शिखर सम्मेलन लोग, गृह और समृद्धि विषय पर केंद्रित होगा। इसमें महामारी, वैश्विक स्वास्थ्य, गवर्नेंस, आर्थिक बहाली, जलवायु परिवर्तन तथा ऊर्जा संबंधी बदलाव, सतत विकास और खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। G20 में भारत कोविड से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, आपूर्ति श्रृंखला और निर्माताओं के माध्यम से टीके, चिकित्सा विधान और निदान की एक समान और किफायती उपलब्धता का हिमायती रहा है। Italy's theme for its presidency is People, Planet, Prosperity. It actually comes from the 2030 UN Agenda for Sustainable Development. There are 5 P's here, but Italy has chosen to retain the 3 P's as being the theme for the G20 summit. And the focus of Italy is on recovery from the pandemic and strengthening global health governance, economic recovery and resilience, climate change and energy transition, and sustainable development and food security. India fully supports the priority areas chosen by Italy. विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी रोम के बाद ग्लासगो जाएंगे। श्री मोदी COP26 के विश्व नेताओं के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन का उच्च स्तरीय सत्र सोमवार और मंगलवार को होगा। इसमें 120 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष भाग लेंगे। ये देश पेरिस समझौता कार्यान्वयन दिशा निर्देशों को पूरा करने और जलवायु के संबंध में कार्रवाई पर चर्चा करेंगे। एक और महत्वपूर्ण आयोजन के अंतर्गत एक सूर्य एक देश एक ग्रिड की परिकल्पना के तहत वैश्विक हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी COP26 सम्मेलन में भाग लेने के अलावा कई देशों के नेताओं से द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इनमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ मुलाकात भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में कार्बन उत्सर्जन के समान वितरण सहित जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों के व्यापक समाधान और हरित तथा समावेशी विकास के लिए स्थिर जीवन शैलियों की आवश्यकता पर बल देंगे। इटली और ब्रिटेन की यात्रा पर रवाना होने से पहले अपने बयान में श्री मोदी ने कहा कि COP26 सम्मेलन के अवसर पर उन्हें भागीदार देशों, नव प्रवर्तकों और अंतर सरकारी संगठनों सहित सभी हितधारकों के साथ बातचीत का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि सम्मेलन से स्वच्छ विकास में और तेजी लाने की संभावनाओं का पता लगेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रकृति और संस्कृति के साथ सद्भाव में रहने की भारतीय परंपरा के अनुरूप भारत स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, वनीकरण और जैव विविधता के विस्तार पर काम कर रहा है। भारत स्थापित अक्षय ऊर्जा, पवन और सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में से एक है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि आज का हिंद प्रशांत क्षेत्र भूमंडलीकरण की वास्तविकता, बहुध्रुवीयता के उद्भव और हितों के पुनः संतुलन को परिलक्षित करता है। डॉ जयशंकर ने आज भारत प्रशांत व्यापार मंच की चौथी बैठक में कहा कि यह अंतर निर्भरता और अंतर सहभागिता को भी दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र को एक मुक्त, खुले, समग्र क्षेत्र के रूप में देखता है जो प्रगति और समृद्धि की ओर अग्रसर है। नागरिक विमानन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों की स्थगन अवधि अगले महीने की 30 तारीख तक बढ़ा दी है। निदेशालय के परिपत्र में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कार्गो संचालन और विशिष्ट रूप से अनुमोदित उड़ानों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। निदेशालय ने यह भी कहा कि सक्षम प्राधिकारी चयनित मार्गों पर निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दे सकते हैं। केंद्र सरकार ने कोविड के कारण पिछले वर्ष 23 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी थी। बाद में कुछ देशों के साथ बबल व्यवस्था के तहत इन प्रतिबंधों में छूट दी गई थी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 104 करोड़ 85 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 74 लाख 33 हजार से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 13,198 रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.19% है। पिछले 24 घंटे के दौरान 14,348 नए मरीजों के मामलों की पुष्टि हुई। वर्तमान में करीब 1,61,000 रोगियों का इलाज चल रहा है। पेचिंग स्थित बहुपक्षीय विकास बैंक, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB और एशियाई विकास बैंक ADB भारत को कोविड रोधी टीके खरीदने के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र में टीकों की पहुंच सुविधा योजना के अंतर्गत 2 अरब अमरीकी डॉलर का ऋण देंगे।
इस ऋण के माध्यम से 6,670 लाख टीके खरीदे जा सकते हैं। इसके अलावा AIIB ने भारत की अन्य परियोजनाओं के लिए 17,50,000 अमरीकी डॉलर की मंजूरी दी है। झारखंड सरकार ने आज राज्य में कोविड प्रतिबंधों में कई छूट देने की घोषणा की। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि बाजार सामान्य रूप से खुलेंगे। श्री गुप्ता ने कहा कि सभी को कोविड मानकों का पालन करते हुए आने वाले त्योहारों को मनाना चाहिए। छठ पर्व बढ़िया तरीके से लोग मनाएं, ऐसा हम शुभकामना देते हैं। इसी के साथ हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि ज्यादा बेटर हो कि लोग अपने अपने घरों में मनाएं, इसलिए कि कोरोना का काल है और अभी तक संकट छटा नहीं है। लेकिन नदी में या पौंड में कोई भी मनाना चाहे उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसी के साथ जो हमारे पर्व है, धनतेरस है, दीपावली है, गोवर्धन पूजा है और भी कई एक पूजा है, ये सब पूजा भी सार्वजनिक रूप से आदमी कर सकते हैं, किया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगामी छठ पूजा के दौरान कोविड निर्देशों के पालन में लोगों की भागीदारी के लिए आज एक श्रव्य दृश्य गीत जारी किया। ये गीत प्रसिद्ध लोक तथा शास्त्रीय गायिका और पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा की प्रस्तुति है। ध्यान रहे कि कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। आइए हम सब मिलकर कोरोना अनुकूल व्यवहारों का पालन करते हुए जिम्मेदारी से त्योहार मनाएं। त्योहार भी और कोरोना उचित व्यवहार भी। और हाँ, जल्द से जल्द टीके के दोनों खुराक लेना न भूलें। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोम में यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्षों से मुलाकात की। बेहतर विश्व के लिए आर्थिक संबंधों और आपसी संपर्क बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत COP26 शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के मुद्दों के व्यापक समाधान पर जोर देगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध 30 नवंबर तक बढ़ाया। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 104,85,00,000 कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.19%। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 30 सीटों के लिए कल होने वाले उपचुनावों की तैयारियां पूरी। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 से 27 नवंबर तक दिल्ली में होगा। कन्नड़ फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता पुनीत राजकुमार का बेंगलुरु में हृदय गति रुकने से निधन। और 2020 क्रिकेट विश्व कप में वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को 3 रन से हराया। पाकिस्तान के साथ मैच में अफगानिस्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास, तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा की 3 और 14 राज्यों की 30 विधानसभा सीटों के लिए कल होने वाले उपचुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लोकसभा के मध्य प्रदेश में खंडवा, हिमाचल प्रदेश में मंडी और दादर और नगर हवेली सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव असम की 5, पश्चिम बंगाल की 4, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय की 3,
राजस्थान, बिहार, कर्नाटक की दो दो, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड और तेलंगाना की एक एक सीट के लिए होगा। गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार ने घोषणा पत्र में किए गए लगभग 90% वायदे पूरे कर लिए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि आगामी चुनावों में भाजपा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस बार 300 सीटें पार करेगी। मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ ने जो सरकार चलाई, वो सरकार यूपी के हर गरीब गुरबे के लिए चली है, यूपी के युवा के लिए चली है, यूपी के महिला, दलित, पिछड़े और आदिवासियों के लिए चली है। मित्रों, ये परिवर्तन 2017 में आए, 2014 में परिवर्तन की शुरुआत हुई और 2019 में फिर से मोदी जी को हम सब ने प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनाया। मैंने तीनों चुनावों को देखा है, हर चुनाव में हमने सदस्यता शुरू करी थी। आज भी 2022 के चुनाव का श्री गणेश सदस्यता अभियान से हम शुरू कर। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में 14 से 27 नवंबर तक आयोजित होगा। इस मेले का शीर्षक आत्मनिर्भर भारत, नए भारत का सपना है। इस वर्ष मेले में बिहार सहयोगी राज्य होगा, जबकि उत्तर प्रदेश और झारखंड फोकस राज्य होंगे। मेले में देश विदेश से 2000 से अधिक भागीदारों के आने की आशा है। अब तक अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, चीन, घाना, किर्गिस्तान, ट्यूनिशिया, तुर्की, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमारात ने इस मेले में भाग लेने की पुष्टि की है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में आज सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन पीसीवी के राष्ट्रव्यापी विस्तार की शुरुआत की। श्री मांडविया ने कहा कि पहली बार है कि देश में पीसीवी सार्वभौमिक रूप से प्रयोग के लिए उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु का एक प्रमुख कारण निमोनिया है। भारत में लगभग 16% बच्चों की मृत्यु इसके कारण होती है। उन्होंने कहा कि पीसीवी की राष्ट्रव्यापी उपलब्धता से बाल मृत्यु में लगभग 60% की कमी आएगी। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम जन स्वास्थ्य की एक बड़ी योजना है। इसके अंतर्गत विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिए निःशुल्क 12 टीके लगाए जाते हैं। देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस सिलसिले में सरकार आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग प्रतिदिन विशेष कार्यक्रम आजादी का सफर प्रसारित करता है। इसमें स्वाधीनता संग्राम के महत्वपूर्ण दिनों के बारे में बताया जाता है। आज सुनते हैं इस कार्यक्रम की 75वीं कड़ी। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। एक राष्ट्र का जन्म, भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। उनतीस अक्टूबर पुण्यतिथि है महान स्वाधीनता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय की। उनका निधन 85 वर्ष की उम्र में 29 अक्टूबर 1988 को मुंबई में हुआ था। लंदन यूनिवर्सिटी से समाज विज्ञान में डिप्लोमा करने के बाद वे भारत आ गईं। गांधीवादी आदर्शों और अहिंसा से अत्यधिक प्रेरित कमला देवी गांधीवादी संगठन सेवादल में शामिल हो गईं। उन्होंने कांग्रेस के सदस्य के रूप में राष्ट्रवादी संघर्ष में नाम लिखाया। कमला देवी पर नमक कानून के उल्लंघन के आरोप लगाए गए और जेल भेज दिया गया। कमला देवी ने तब राष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया जब कांग्रेस के ध्वज पर हाथापाई के दौरान उन्होंने झंडे को कसकर पकड़े रखा। इसके साथ ही वो भारत के बाहर भी राजनीति संपर्क बना रही थी। कमला देवी 1936 में ऑल इंडिया वीमेन्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्ष बनी। वे महान लेखिका भी थीं, जिसकी शुरुआत 1929 में भारत में महिलाओं के अधिकारों पर लेखों के माध्यम से हुई थी। उनकी आखिरी पुस्तक स्वाधीनता के लिए भारतीय महिलाओं की जंग
1982 में प्रकाशित हुई थी। कमला देवी को भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा को पुनर्जीवित करने का श्रेय भी जाता है। उन्होंने हस्तशिल्प और सहकारी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कमला देवी को हथकरघा माँ के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने नाटक, कला, थिएटर, संगीत और कठपुतली को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक राष्ट्रीय संस्थानों को बढ़ावा दिया। कमला देवी ने 1944 में इंडियन नेशनल थिएटर की स्थापना की, जिसे आज राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नाम से जाना जाता है। उन्हें 1955 में पद्म भूषण और 1987 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। 29 अक्टूबर 1920 को देश के प्रमुख संस्थान जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना हुई थी। औपनिवेशिक शासन के द्वारा या उसके समर्थन से संचालित सभी शिक्षा संस्थानों के बहिष्कार के गांधी जी के आह्वान पर ब्रिटिश समर्थक प्रवृत्ति का विरोध करते हुए राष्ट्रवादी शिक्षकों और विद्यार्थियों के समूह ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छोड़ दी और जामिया इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी। जाने माने स्वाधीनता सेनानी और मुस्लिम धर्म विज्ञानी मौलाना महमूद हसन ने 29 अक्टूबर 1920 को शुक्रवार के दिन अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की बुनियाद रखी। उसी दिन संस्थापक समिति ने दिल्ली के डॉक्टर अंसारी, बंगाल और बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और अन्य प्रमुख सदस्यों के साथ बैठक की। 22 नवंबर 1920 को हकीम अजमल खान को जामिया का पहला चांसलर चुना गया। मोहम्मद अली जौहर उसके पहले वाइस चांसलर बने। जामिया ने बारडोली प्रस्ताव में भागीदारी की और स्वयं सेवकों को भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और देश भर में भेजा। औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार ने जल्दी ही संस्थान के अनेक शिक्षकों और विद्यार्थियों को जेल भेज दिया। 1924 में मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने खिलाफत के खत्म होने की घोषणा की। इसी समय हकीम अजमल खान, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी और बटदुल मजीद ख्वाजा ने 1925 में जामिया को अलीगढ़ से नई दिल्ली के करोल बाग लाने के गांधी जी के सुझाव का समर्थन किया। गांधी जी ने ये कहते हुए जामिया का नैतिक साहस बढ़ाया था कि जामिया को चलते रहना होगा। पहली मार्च 1935 को दक्षिणी दिल्ली के बाहरी इलाके के ओखला गांव में इसकी आधारशिला रखी गई। 1936 में जामिया के सभी संस्थान नए परिसर में स्थानांतरित कर दिए गए। 1988 में संसद द्वारा बनाए गए विशेष अधिनियम के जरिए जामिया मिलिया इस्लामिया को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ की इस कड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। कन्नड़ सुपरस्टार पुनीत राजकुमार का आज दोपहर बाद हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। वे 46 वर्ष के थे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनका पार्थिव शरीर आज और कल बेंगलुरु के कांतिरवा स्टेडियम में रखा जाएगा ताकि लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। कन्नड़ा सिनेमा जगत के जनप्रिय एक्टर डॉक्टर राजकुमार के तीसरे पुत्र पुनीत राजकुमार थे। अपनी छोटी उम्र में ही उन्होंने अभिनय आरंभ किया। चलिसु मोड़गड़ो सिनेमा में उन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया। 1985 में उन्होंने बेट्टदहू में काम किया, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्होंने 29 सिनेमा में काम किया है। अभी वीर कन्नड़िगा, अरसु, राम, अजय, हुडुगरु और अंजनी पुत्रा उनके कुछ प्रमुख सिनेमा हैं। उनके चाहने वाले उन्हें अप्पू कहकर पुकारते हैं। उन्होंने संगीत गायन द्वारा भी लोगों का मनोरंजन किया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP26 के संबंध में आकाशवाणी आपके लिए विशेष कार्यक्रम COP26 श्रृंखला लेकर आ रहा है।
इसके अंतर्गत हम आपके लिए अगले पखवाड़े में प्रतिदिन इससे संबंधित सभी घटनाओं का ब्यौरा लेकर आएंगे। आज हम इस कार्यक्रम में नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन पर बात करेंगे। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का तात्पर्य है कि पृथ्वी का तापमान कम करने के लिए मानव निर्मित सभी कार्बन गैस वातावरण से हटा दी जाए। जलवायु कार्यकर्ताओं और आईपीसीसी वर्ष 2050 तक सभी के लिए नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन पर जोर दे रहे हैं। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए विकास प्राथमिक लक्ष्य है, जो 2050 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन को बल दे रहा है। इसके अलावा भारत उन देशों में शामिल है जहां प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन सबसे कम है। इस लक्ष्य के अनुसार दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भारत को अपनी आबादी के लिए विकास गतिविधियों में कम से कम कार्बन उत्सर्जन करेगा। ग्लासगो बैठक में जलवायु परिवर्तन से निपटने के महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में निर्णय किया जाएगा। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत इस वर्ष आकाशवाणी की प्रतिष्ठित सरदार पटेल स्मारक व्याख्यानमाला में व्याख्यान देंगे। जनरल बिपिन रावत का व्याख्यान राष्ट्र निर्माण में भारतीय सशस्त्र बलों की भूमिका पर केंद्रित होगा। ये व्याख्यान 31 अक्टूबर यानी रविवार को सरदार पटेल की जयंती पर आकाशवाणी के नेटवर्क पर रात 9:30 से प्रसारित किया जाएगा। ये व्याख्यान इसी दिन रात 10 दूरदर्शन के डीडी नेशनल चैनल पर भी प्रसारित होगा। सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान आकाशवाणी पर 1955 से प्रतिवर्ष लगातार प्रसारित हो रहा है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने सार्वजनिक खरीद और परियोजना प्रबंधन में सुधारों के लिए आज नई दिल्ली में दिशा निर्देश जारी किए। इन दिशा निर्देशों को तैयार करना और जारी करना मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं की समीक्षा की निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में इस व्यवस्था का उल्लेख किया था। कैबिनेट सचिव एक विशेष अभियान के रूप में इस महीने इसकी निगरानी कर रहे हैं। त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेल ने आनंद विहार टर्मिनल पटना आनंद विहार टर्मिनल गतिशक्ति सुपरफास्ट विशेष रेलगाड़ी चलाएगी। इसमें 3 AC इकोनॉमी क्लास के 20 कोच होंगे। ये रेलगाड़ी आनंद विहार टर्मिनल से आज रात रविवार और अगले सप्ताह मंगलवार शुक्रवार और रविवार को 11:10 पर रवाना होगी और अगले दिन दोपहर बाद 3:45 पर पटना जंक्शन पहुंचेगी। वापसी की यात्रा में ये रेलगाड़ी पटना जंक्शन से अगले दिन शाम 5:45 पर आनंद विहार टर्मिनल के लिए रवाना होगी। रेलगाड़ी कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जंक्शन, वाराणसी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और दानापुर स्टेशनों पर रुकेगी। 2020 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप 2 के मैच में दुबई में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ ताजा समाचार मिलने तक 10 ओवर में 5 विकेट पर 65 रन बना लिए थे। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। उधर शारजाह में ग्रुप 1 में वेस्टइंडीज ने बेहद रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश को 3 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज ने 7 विकेट पर 142 रन बनाए थे। जवाब में बांग्लादेश की टीम 5 विकेट पर 139 रन ही बना सकी। इस हार के साथ ही बांग्लादेश का सफर इस विश्वकप में लगभग समाप्त हो गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोम में यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्षों से मुलाकात की। बेहतर विश्व के लिए आर्थिक संबंधों और आपसी संपर्क बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा भारत COP26 शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के मुद्दों के व्यापक समाधान पर जोर देगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध 30 नवंबर तक बढ़ाया। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 104,85,00,000 कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.19%। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 30 सीटों के लिए कल होने वाले उपचुनावों की तैयारियां पूरी। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 से 27 नवंबर तक दिल्ली में होगा। कन्नड़ फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता पुनीत राजकुमार का बेंगलुरु में हृदय गति रुकने से निधन। और 2020 क्रिकेट विश्व कप में वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को 3 रन से हराया। पाकिस्तान के साथ मैच में अफगानिस्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।